जय हिंद साथियों, मैं प्रभास कुमार जी आप सभी का जहां मैथ्स मैजिक पे स्वागत करता हूं। जहां हम रखते हैं आपको प्रोसेस से सिलेक्शन तक पूरा अपडेट, जब तक आपका जॉब नहीं लग जाता है, जब तक आपका पहला सैलरी नहीं आ जाता है। तो आज बहुत ही शानदार और कह सकते हैं कि ये न्यूज उन तमाम स्टूडेंट के लिए जो शिक्षा सेवक, टोला सेवक, तालीमी मरकज का फॉर्म फिलअप कर दिए हैं या फॉर्म फिलअप करने वाले हैं, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और कह सकते हैं कि सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आपसे हम साझा करने जा रहे हैं। अगर आप बेचैन हैं तो आप बेचैन नहीं होना है। अगर आप फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है आपका, आपके डिस्ट्रिक्ट का नहीं आया है या आ चुका है, आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से नहीं देखिएगा तो हो सकता है कि आप बेचैन रहिए, हो सकता है कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाए, हो सकता है कि आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए। तो प्लीज इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पूरे वीडियो में जो बताया जाएगा उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपके फायदे के लिए है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम रखते हैं आपको प्रोसेस से सिलेक्शन तक पूरा अपडेट। हम आपको देते हैं पूरा अपडेट इन्फॉर्मेशन, हम आपको रखते हैं पूरे प्रोसेस में मोटिवेटेड, हम आपको रखते हैं सिलेक्शन तक मोटिवेटेड, जब तक आपको जॉब नहीं लग जाता है। तो चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन सही लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और कमेंट करके अपने क्वेरी को जरूर पूछिएगा। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, बहुत सारे साथी जो है ना कमेंट करके पूछ रहे हैं, जिसका डेट पहले ही आ चुका है, जिसका फॉर्म फिलअप का डेट 4 तारीख तक है, वो लोग अभी कमेंट कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे साथी हैं, ठीक है ना, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वीडियो देखिए, ठीक है ना, पूरा का पूरा, और जाके जिसका निकल चुका है फॉर्म फिलअप कर लीजिए। जिसका नहीं निकला है उसके लिए तो बहुत बढ़िया न्यूज है, ठीक है ना, जिसका निकल चुका है फॉर्म फिलअप कर लीजिए। एक बार हम बता देते हैं सबका नाम, किसका किसका आ चुका है। देखो भाई, रोहतास का आ चुका है, सीवर का आ चुका है, पटना का आ चुका है, मुजफ्फरपुर का आ चुका है, ठीक है, इसके बाद बांका का आ चुका है, जहानाबाद का आ चुका है, सारण का आ चुका है, बक्सर का आ चुका है, इसके बाद समस्तीपुर का आ चुका है, इसके बाद बेगूसराय का आ चुका है, इसके बाद गोपालगंज का आ चुका है, कैमूर का आ चुका है, दरभंगा का आ चुका है। आप सब अगर इस डिस्ट्रिक्ट से हैं और अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं तो प्लीज फॉर्म जरूर फिलअप कर लीजिएगा। लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके लिए भी फायदेमंद होगा ये वीडियो। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और इन डिस्ट्रिक्ट का आ चुका है, प्लीज जाके फॉर्म फिलअप करिए, ठीक है ना, जाके अपने पंचायत लेवल पे अपने टोला सेवक से बात करिए, अपने टोला में जो भी टोला सेवक का स्कूल चल रहा है उनके प्रधान अध्यापक से मिलिए, क्योंकि इनका डेट फिक्स है। इसमें बक्सर और समस्तीपुर का डेट बढ़ा हुआ है, नोटिस को ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जिसका डेट बढ़ा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग होगा। चलिए अब क्या न्यूज है आप तमाम कैंडिडेट्स के लिए, मेरे तमाम सब्सक्राइबर के लिए और जो चैनल पर नए हैं उनके लिए भी, ठीक है। न्यूज यही है कि आप बहुत टेंशन में चल रहे हैं कि सर 4 तारीख तो आ गया, ठीक है, अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। 4 तारीख तो आ गया लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, कैसे होगा, फॉर्म फिलअप नहीं होगा कि अंदर अंदर सब कुछ हो रहा है। देखो, ऐसे वीडियो बनाने वाले जो ये बात बोल रहे हैं कि अंदर अंदर हो रहा है लाइक दैट, ठीक है ना, ये देखो कुछ नहीं है, गुमराह किया जा रहा है। कुछ भी अंदर अंदर नहीं होता है। जो कह सकते हैं विभागीय काम है उसमें समय लगता है, वो अपने अकॉर्डिंग करेगा। तो आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहला बात सुनिए कि ये स्टेट स्तर पे जब इसका पूरा का पूरा बनाया गया, ठीक है ना, के पाठक साहब ने हर एक डिस्ट्रिक्ट को पर्सनली जो है ना सबको इन्फॉर्म किए कि भैया आप क्या करिए, ठीक है ना, वेबसाइट पे अपडेट करिए। कुछ डिस्ट्रिक्ट अपडेट कर दिया, कुछ डिस्ट्रिक्ट अपडेट नहीं कर पाया। तो रीजन उसके पीछे है, क्योंकि ये बात सब जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको जानना चाहिए, आपको जानना ये चाहिए कि ये जो रिक्रूटमेंट है वो पूरे के पूरे बिना डीएम, बिना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी जो होते हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो होते हैं, इनके हरी झंडी के बिना ये स्टार्ट नहीं हो सकता है। और आप सब जानते हैं कि बीपीएससी का जो टीचर का बहाली है उसका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, सेकेंडरी स्कूल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ चुका है, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये डेट जो है ना पब्लिश कर दिया गया है। इस पे हम अपडेट भी दिए थे, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपडेट कर दिया गया है, तो वहां पे वो हो गया। इसके बाद ये सब डिस्ट्रिक्ट में सबके पास पहुंचा हुआ है। अब इसको जो है ना अपडेट करना, अपने अकॉर्डिंग वो लोग बहाली करेंगे, तो अपने अकॉर्डिंग बहाली करेंगे, तो अपने अकॉर्डिंग वो अपडेट करेंगे। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है कि जैसे ही उनका जो है ना अपडेट होगा, अपलोड किया जाएगा वेबसाइट पे, तो आप देखिएगा क्या कि डेट आपको बढ़ा हुआ मिलेगा, डेट आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जहां जहां पे अभी नहीं आया है, वहां के जो है ना जो पदाधिकारी हैं उनका कहना सिंपल है कि जब हमें अपने अकॉर्डिंग करना है तो हम बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ सिस्टमैटिक करके करेंगे, जल्दीबाजी में नहीं करेंगे। तो 2-4 दिन अगर लेट भी होता है तो हम डेट आगे बढ़ा देंगे, हम प्रोसेस को आगे बढ़ा देंगे ताकि सबको फॉर्म फिलअप करने का मौका मिले और बढ़िया से इसको किया जाएगा। क्योंकि देखो, इसको जो है ना डिस्ट्रिक्ट पे अपलोड होगा, इसके बाद ब्लॉक में इसका जो है ना लगेगा, नोटिफिकेशन लगेगा ब्लॉक में, इसके बाद पंचायत लेवल पे भी नोटिफिकेशन लगेगा, और जिस
टोला के जो शिक्षा होते हैं, हेडमास्टर होते हैं, उनके स्कूल में भी नोटिफिकेशन लगेगा। तो ये प्रोसेस पूरा का पूरा होगा। इस प्रोसेस के बाद ही हरी झंडी मिलेगा, आपको वहां से फॉर्म मिलेगा और फॉर्म फिलअप करके आपको वहां पे जमा करना होगा। अगर अभी आप मान लेते हैं कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट का नहीं आया है और आपके पास फॉर्म है, आप फॉर्म फिलअप करके आप जाइएगा पूछने के लिए कि सर मेरा फॉर्म जमा कर लीजिए, तो नहीं करेंगे वो जमा, क्योंकि जब तक जिला पदाधिकारी का, जिला शिक्षा पदाधिकारी का हरी झंडी नहीं मिलेगा, फॉर्म फिलअप करके भी आप कुछ नहीं कर पाइएगा, अब जमा नहीं होगा। तो आपको पूरा का पूरा अपडेट रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया है, और चैनल विजिट करते रहिएगा और साथ में अपने डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा। अपने डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट सर्च करना बड़ा इजी है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो मधुबनी.nic करके सर्च करिएगा, तो जैसे ही वेबसाइट खुल के आएगा, उस वेबसाइट खुल के आएगा तो उसमें जाइएगा, होम पे जाइएगा, क्लिक करिएगा, वहां पे आएगा आपको नोटिफिकेशन, नोटिस करके आएगा, उस नोटिस पे क्लिक करना आपको। जैसे ही नोटिस पे क्लिक करिएगा तो नीचे आएगा रिक्रूटमेंट का, ठीक है, बहाली का, भर्ती का, उस पे क्लिक करिएगा, तो जैसे ही जो है ना वेबसाइट पे अपडेट होगा तो वो आपके सामने में आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा का पूरा भर्ती होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा का पूरा बहाली होगा। तो आपको निराश नहीं होना है, आपको उदास नहीं होना है, क्योंकि हम आपके साथ हैं। तो आपको रहना है पूरा अपडेट। अभी आपको क्या करना चाहिए, अभी आपके अपने डॉक्यूमेंट को सही करना चाहिए। अभी आपको जो है ना आपके पंचायत में जो टोला सेवक है, जिस स्कूल के टोला सेवक है, उस स्कूल के हेडमास्टर से बात करना चाहिए, उनसे अच्छा सा रिलेशन बनाना चाहिए। अपने पंचायत में जो आपके पंचायत स्तर पे अभी जीविका दीदी हैं, उनसे आपको बात करना चाहिए, क्योंकि जीविका दीदी भी इसमें सदस्य के रूप में रहेंगे, समिति जो बनेगा उसमें वो भी रहेंगे। फिर ब्लॉक में जो है ना, ब्लॉक में जो है वहां भी जो है ना आपके समिति सदस्य होंगे। तो ऐसे आपने बताया था कि प्रखंड स्तर पे भी होता है सदस्य बनेगा और आपके पंचायत स्तर पे भी सदस्य बनेगा, तो उन सबसे जाके आपको मिलना है। देखो कुछ ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, कुछ ऐसा नहीं होता है कि वो बोलेगा आ जाओ नौकरी ले लो, इट्स नॉट इजी। अभी के डेट में तो इतना इजी नहीं है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। और जो काम विभागीय होता है, जो काम विभागीय होता है वो विभागीय अपने अकॉर्डिंग ही होगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है अगर आपके जिला का वेबसाइट पे अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि आज संडे है तो आज तो अपडेट होने वाला है नहीं, ठीक है ना, तो मंडे से अपडेट होने लगेगा। टाइम बढ़ा हुआ आपको मिलेगा, टाइम आपको पूरा का पूरा बढ़ा हुआ मिलेगा, तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बेसब्र नहीं हो जाना है, ठीक है। आपको जो है ना प्रोसेस पे फोकस करना है, ना कि रिजल्ट पे फोकस करना है। आप जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी को, वो क्या बताते हैं कि हमने कभी रिजल्ट पे फोकस नहीं किया, हमने प्रोसेस पे फोकस किया। तो जो प्रोसेस है उस पर फोकस करिए। अगर आपके जिला में अपडेट नहीं हुआ है, अपलोड नहीं हुआ है, तो क्या लगता है आपको कि बिना अपलोड किए हुए, बिना नोटिफिकेशन दिए हुए बहाली हो जाएगा, तो भैया जो है ना केस हो जाएगा। आपको पता है बहुत बड़ा जो है ना धांधली पे जो है ना आरोप लग जाएगा, सब चले जाएंगे अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, जो विभागीय काम है वो प्रोसेस से ही होगा, नोटिस आएगा ही, ठीक है, नोटिस चिपकेगा ही, फॉर्म का डेट आएगा ही, फॉर्म भराएगा ही, ठीक है ना, सब कुछ प्रोसेस से होगा, कुछ चुपके चुपके नहीं होगा, ना हम होने देंगे। अगर आप हमारे साथ हैं तो हम ये काम होने भी नहीं देंगे। तो प्लीज अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे हमारे ऐसे साथी हैं जो कमेंट नीचे करते हैं कि सर बेगूसराय का नहीं आया, सर मुजफ्फरपुर का नहीं है। भाई कब का हम बता दिए मुजफ्फरपुर का, कब का बता चुके हैं दरभंगा का। ये इसलिए होता है क्योंकि आप वीडियो नहीं देखते, आप डायरेक्ट कमेंट करते हैं। और लेट मी टेल यू, हम आपको बता दे, ठीक है ना, कि आपका भाई इतना समझदार जरूर है कि उनको पता चल जाता है कि कौन वीडियो देखे हैं, कौन वीडियो बिना वीडियो देखे कमेंट किए हैं। तो ऐसे लोग जो बिना वीडियो देखे कमेंट करते हैं, माफी चाहेंगे, आपका हम रिप्लाई नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। जो वीडियो देख के कमेंट करते हैं, श्योर हम आपके साथ हैं, प्रोसेस से सिलेक्शन तक हम आपके साथ हैं, और हम 100% आपको बता रहे हैं कि आपको जॉब होगा और हम दिलाएंगे आपको जॉब। हम दिलाएंगे मतलब हम पूरा अपडेट आपको रखेंगे, काम तो आपको खुद करना पड़ेगा, फॉर्म खुद लेना पड़ेगा, फॉर्म खुद भरना पड़ेगा, हम आपको पूरा अपडेट रखेंगे। तो चलिए, तो जितने भी टोला मरकज, तालीमी मरकज, टोला सेवक, शिक्षा सेवक के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, भैया निराश नहीं होना है, हमने जो बताया है उसी के अकॉर्डिंग आप काम कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग जो है ना पूरा सिलेक्शन होगा। और इधर उधर का वीडियो मत देखिए, वो सिर्फ मिसलीड करता है, मिसलीड करने के लिए जो है ना पूरा का पूरा वीडियो बना देता है। कुछ लोग मेरा थंबनेल कॉपी करके जो है ना वीडियो बना रहे, चलिए बनाने दीजिए, कोई बात नहीं है, हम चाहे तो कॉपीराइट करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है हमको, ठीक है। तो चलिए, तो अब जैसे हम समझ गए, अगर अभी भी इस डिस्ट्रिक्ट के कोई लोग फॉर्म फिलअप नहीं किए हैं, नोटिस नहीं मिला है, तो जल्दी से जल्दी इस वेबसाइट को विजिट करिए, और जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि हमारे जितने भी चैनल, हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर हैं, आपके प्रति मेरा दायित्व ज्यादा है, तो आपके प्रति मेरा दायित्व ज्यादा है, तो आपको एक एक इन्फॉर्मेशन हम अपडेट रखेंगे। हो सकता है तो आपके लिए हम प्राइवेट वीडियो भी बनाए, तो बनाना पड़ेगा तो बनाएंगे, लेकिन डेफिनेटली हम आपको पूरा का पूरा अपडेट रखेंगे। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक। आप जरूर बताइएगा ये अपडेट इन्फॉर्मेशन कैसा लगा आपको, और
जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ता है और हमें मेहनत करने पे और जो है ना मजबूर करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग झा मैथ्स मैजिक। थैंक यू, स्माइल करते रहिए और प्रोसेस पे फोकस करते रहिए। हम आपको रखेंगे पूरा अपडेट। थैंक यू, प्रोसेस से सिलेक्शन तक। थैंक यू।